अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट को मोबाइल में खेलते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनक्राफ्ट को मोबाइल में खेलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि तुम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को डाउनलोड करके खेल सकते हो, और दूसरा तरीका यह है कि तुम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को किसी लॉन्चर की मदद से अपने फोन में खेल सकते हो। तो आज मैं एक ऐसे ही फेमस लॉन्चर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है पोजैव लॉन्चर। अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट को मोबाइल में खेलते हो और अभी तक तुम लोगों ने पोजैव लॉन्चर का नाम नहीं सुना, तो मतलब तुमने किसका नाम सुना है फिर? मेरा? हाँ फिर ठीक है। खैर, जिन लोगों को पता नहीं है कि पोजैव लॉन्चर क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि पोजैव लॉन्चर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से तुम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को अपने फोन में खेल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ऑसम चीज है। अगर तुम लोग पोजैव लॉन्चर को ठीक ठाक तरीके से अपने फोन में चलाना चाहते हो, तो तुम्हारे फोन में कम से कम जो प्रोसेसर होना चाहिए वो स्नैपड्रैगन का 820 होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो तुम्हारे फोन का रैम होना चाहिए वो मिनिमम 4GB होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपने फोन के बारे में, तो मेरे फोन में जो है स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर है और साथ ही साथ जो रैम है वो 6GB है, यानी कि पोजैव लॉन्चर मेरे फोन में ठीक ठाक काम कर जाएगा। तो क्या इसका मतलब मेरे को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन से पोजैव लॉन्चर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? वेल, अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल है, तो मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि पोजैव लॉन्चर पे शिफ्ट होने से पहले एक बार पोजैव लॉन्चर के प्रोस एंड कॉन्स जान लो। तो चलो सबसे पहले पोजैव लॉन्चर को यूज करने के प्रोस जान लेते हैं। पोजैव लॉन्चर की मदद से हम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को फोन में खेल सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास पीसी वगैरह नहीं है वो लोग भी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को अपने फोन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छी बात है। हमें ये तो पता ही है कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मॉड्स है, तो अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के मॉड्स को खेलना चाहते हो तो पोजैव लॉन्चर काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। क्या पोजैव लॉन्चर लीगल है? तो हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद इन्होंने अपने पोजैव लॉन्चर के विकी पे लिख रखा है। खैर, पोजैव लॉन्चर के लीगल या अनलीगल होने से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ हमें एक चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि क्या पोजैव लॉन्चर सेफ है। तो यार ये बिल्कुल सेफ है, जिसका पहला रीजन तो ये है कि पोजैव लॉन्चर को तुम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा रीजन ये है कि पोजैव लॉन्चर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके सारे सोर्स कोड ऑलरेडी पब्लिक में है, जिसकी वजह से सेफ्टी और प्राइवेसी के कॉम्प्रोमाइज होने का इशू बहुत ही कम हो जाता है, और यही चीज इसे बाकी सारे लॉन्चर से अलग बनाती है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। खैर, हम लोगों ने पोजैव लॉन्चर के प्रोस तो जान लिए, तो अब जान लेते हैं कि इसके कॉन्स क्या है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन पे जब भी कोई नया अपडेट आता है तो वो तुम्हें इंस्टेंटली पोजैव लॉन्चर पे देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे जो बग्स होते हैं उनको भी फिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाता है पोजैव लॉन्चर पे। पोजैव लॉन्चर को खेलने का हमारा जो वन ऑफ द मेन रीजन होता है वो होता है जावा एडिशन के मॉड्स, पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि कई सारे जो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के मॉड्स होते हैं वो पोजैव लॉन्चर पे वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे तुम लोग उन सारे मॉड्स की लिस्ट देख सकते हो जो कि पोजैव लॉन्चर में वर्क नहीं करेंगे। अगर तुम लोगों को ये लिस्ट पूरी देखनी है तो मैं तुम्हें इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके तुम लोग इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो। पोजैव लॉन्चर का यूज करके हम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हैं, जो कि पीसी के लिए बना है, बट जब हम इसे मोबाइल के अंदर चलाते हैं तो मोबाइल के प्रोसेसर पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से मोबाइल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट होता है। ये वाला जो पॉइंट मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऊपर मैंने जितनी भी कमियां बताई ना, इन्हें एक बार को हम लोग सह लेंगे थोड़ा सा, पर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और वो है गेम प्ले एक्सपीरियंस। मैं तुम लोगों को अपने फोन के अंदर दिखाता हूँ कि पोजैव लॉन्चर का गेम प्ले कैसा चल रहा है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि रेंडर डिस्टेंस मैंने 2 चंक सेट कर रखा है, और सिमुलेशन डिस्टेंस को भी मैंने 5 चंक्स पे सेट कर रखा है, जो कि मिनिमम है। तुम लोग देख सकते हो कि लोएस्ट सेटिंग पे मेरे फोन में गेम कैसा चल रहा है। यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस के बाद सारी चीजें ब्लर हो रखी है, जिसका रीजन ये है कि रेंडरिंग डिस्टेंस मैंने बहुत कम सेट कर रखा है, पर मेरा यहाँ पे गेम काफी कम लैग कर रहा है, जिससे कि ठीक ठाक काम चलाया जा सकता है। चलो रेंडर डिस्टेंस को बढ़ा के चेक करते हैं, क्या उसके बाद भी हमारा गेम प्ले स्मूथ रहेगा या नहीं। मैं यहाँ पे रेंडर डिस्टेंस को 10 चंक्स पे सेट कर रहा हूँ, और सिमुलेशन डिस्टेंस को उतने पे ही रहने दूंगा, और ये लगभग वही सेम सेटिंग है जिस पे मैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को इस वाले फोन में खेलता हूँ, और वो काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। देखते हैं क्या ये भी उतना स्मूथ चल पाएगा या नहीं। और यार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गेम थोड़ा मेरा लैग कर रहा है, और ये थोड़ा नहीं है, काफी ज्यादा लैग कर रहा है, और ये हाल तब है जब मैंने अभी देखो नया मतलब ये वर्ल्ड है मेरा, इसमें मैंने कुछ भी फार्म वगैरह नहीं बना रखा, कोई रेडस्टोन मशीन वगैरह नहीं बना रखी, तब भी यार ये इतना ज्यादा लैग कर रहा है। तो सोचो यार जब मैं इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करूंगा, मतलब जैसे तैसे मान लो मैं खेलता हूं, तो ये कितना ज्यादा लैग करने वाला है आगे चल के। तो यार अगर तुम्हारा डिवाइस भी मेरे ही जैसा है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है पोजैव लॉन्चर में माइनक्राफ्ट खेलना, वो भी 10K रेंडर डिस्टेंस पे। और यार इसके बाद मैंने रेंडर डिस्टेंस को 5 पे करके भी चेक किया, उसके बाद भी गेम जो है लैग कर रहा था। खैर ये तो थे पोजैव लॉन्चर के प्रो एंड कॉन्स, पर इस पे मेरा क्या ओपिनियन है।
देखो यार, मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर तुम लोग एक माइनक्राफ्ट के नॉर्मल प्लेयर हो, जिसे बस माइनक्राफ्ट खेलने से मतलब है, जिसे बस स्मूथ गेम प्ले से मतलब है, जिसे बस अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर में चिल करने से मतलब है, और वो भी बिना किसी लैग के, तो यार तुम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की तरफ जाओ। ये पोजाव लॉन्चर या फिर किसी भी और लॉन्चर के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मस्त अपना सिंपल माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलो, और जब तुम्हारे पास पीसी वगैरह आ जाए तब माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल लेना। पर अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट की वीडियोस वगैरह बनाते हो, तब तुम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के साथ साथ पोजाव लॉन्चर को भी यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे कंटेंट को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा तरीकों से मदद कर सकता है। तो खैर यार, ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर कर देना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलने।